मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सरोज कुंडल सिर्फ एक माँ ही नहीं है बल्कि एक ऐसे गुरु भी हैं जिन्होंने अपने बेटे आयुष की जिंदगी में नया उजाला भर दिया। शिक्षक दिवस के इस मौके पर जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो सरोज कुंडल और उनके बेटे आयुष की ये कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है। अपने बेजुबान बेटे की जरूरतों को आंखों के इशारों से समझकर उन्होंने आयुष को न सिर्फ जीवन की हर चुनौती से जूझना सिखाया बल्कि उसका छिपा हुआ हुनर भी निखारा है। मेरा नाम सरोज कुंडल है और ये मेरा बेटा आयुष कुंडल है। शुरुआत में मेरे को भी आयुष को समझने में काफ़ी वो लगता था, दिक्कत आती थी और आयुष भी अपनी बात समझाने में थोड़ा कठिनाई महसूस होती थी, तो वो चिड़चिड़ा भी रहता था ये। पर धीरे धीरे इसका जो पढ़ाई की तरफ जो झुकाव और लगन थी उसको देखते हुए फिर मैंने इसको पढ़ाई की तरफ करा, तो धीरे धीरे ये इसको पढ़ाई में जो मन लगने लगा उससे फिर ये आगे की तरफ बढ़ने लगा धीरे धीरे। जिले के बड़वा क्षेत्र में रहने वाले 26 साल के आयुष का जन्म से ही सेलिबर पल्सी नामक बीमारी से सामना हुआ। इस बीमारी ने उसे बोलने, चलने और हाथों से कुछ भी करने में असमर्थ बना दिया। उसकी जिंदगी एक पेड़ के भरोसे टिकी रही लेकिन उसकी माँ सरोज ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने आयुष को आंखों के इशारों से बात करना सिखाया और धीरे धीरे उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया जहाँ वे बिना शब्दों के भी सब कुछ समझने लगी। आयुष आंखों के इशारों से ही बात करता है, बाकी इसके मतलब जैसे हाथ प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो जो भी बात है आंखों के इशारों से ही बात करता है। और इसके आंखों के इशारे में या इसके सिस्टर वगैरह घर के लोग समझ पाते, बाहर के लोग समझ नहीं पाते कि क्या कहना चाह रहा है। सरोज ने अपने बेटे की परिस्थितियों को उसकी कमजोरी नहीं बनने दी। उन्होंने आयुष के अंदर छिपे पेंटिंग के हुनर को पहचानते हुए उसे इस दिशा में आगे बढ़ाया। आज आयुष देश भर में अपने पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। सरोज की शिक्षा और मार्गदर्शन से आयुष ने एक नई पहचान बनाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज लोग आयुष को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष के लिए एक घर बनवाने का भी वादा किया है। आयुष को सेलिबर पाल्सी एक बीमारी है जो 80% है और इसी वजह से वो कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है, केवल एक पैर उसका कार्य करता है, उसके ही जरिए वो पेंटिंग बनाता है। सरोज कुंडल उन सभी माता पिता के लिए एक मिसाल है जो अपने दिव्यांग बच्चों को समाज के तानों की वजह से उनकी प्रतिभाओं को पहचानने से चूक जाते हैं। शिक्षक दिवस पर सरोज और आयुष की यह कहानी सिखाती है कि सच्चा गुरु वही है जो बिना किसी शर्त के अपने शिष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाए। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।